मैं आपके मुंह के अंदर की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके मुंह के अंदर के रोग को हील होते हुए देख रहा हूँ। आप जो कोई भी हो, मैंने कहा रिसीव करो, मैं आपके मुंह के अंदर के रोग से आपको हील होते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके मुंह के अंदर के रोग से आपको हील होते हुए देख रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल साइंस बुरी नहीं, मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर जब मेडिकल साइंस से उस मेडिसिन से काम नहीं होता तो फिर व्यक्ति क्या करे, इंसान क्या करे। शे डॉक्टर बदले शे, एक नहीं दो नहीं शे। हालेलुया। इस ब्रदर जी का नाम गुरप्रीत सिंह है और छे मखनविंडी गांव के रहने वाले हैं। और इस ब्रदर की गवाही जे बता रहे कि 1.5 महीना हो गया था इनके लेफ्ट साइड दांतों में, दांतों के जो मसूड़े थे वो फूल गए थे, उसमें रेशा था जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे। जे बता रहे कि इनसे खाना भी खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और जे बता रहे कि इन्होंने 6 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जब भी मेडिसिन लेते थे उस समय थोड़ा फ़र्क पड़ता था, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, जिसके कारण जे 1.5 महीने से बहुत ही तकलीफ में थे, परेशान थे, खाना नहीं खा सकते थे। और जे बता रहे जब भी जे संडे की मीटिंग में आते थे, जे विश्वास करते थे कि परमेश्वर इसे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके, और जे बता रहे कि जे विश्वास कर रहे थे। और जब जे ब्रदर जी 2 मार्च की मीटिंग में आए थर्सडे की, इन्होंने अटेंड की, तो परमेश्वर के दास जब दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो जब परमेश्वर के दास के मुख से हीलिंग वर्ड्स आया कि किसी के मुंह के अंदर के रोग जो उसकी हीलिंग को होते हुए देख रहे हैं, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैं आपके मुंह के अंदर की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके मुंह के अंदर के रोग को हील होते हुए देख रहा हूँ। आप जो कोई भी हो, मैंने कहा रिसीव करो, मैं आपके मुंह के अंदर के रोग से आपको हील होते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके मुंह के अंदर के रोग से आपको हील होते हुए देख रहा हूँ। राइट नाउ और चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ। जितनी अंधकार की दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन पर अटैक, और जैसे जब ब्रदर जी बता रहे कि इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जो मेडिसिन खा रहे थे, तो उस दिन उन्होंने अपना मन बनाया कि अभी मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने 6 डॉक्टर चेंज कर ले, इतनी मेडिसिन खा ली पर फिर भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और जो वचन परमेश्वर के दास के मुख से है जो मेरे लिए, तो जैसे इन्होंने विश्वास किया, धन्यवाद किया और विश्वास में बने रहे और मेडिसिन पर बाद में मन नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं खाई, तो जो बता रहे कि आज परमेश्वर इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया है। अभी कोई दर्द नहीं है, कोई रेशा नहीं है मुंह में, जो मसूड़े फूल गए थे, खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आज पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इनको हील कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे इग्लेसिया पूरी जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। सुनो सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल साइंस बुरी नहीं, मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर जब मेडिकल साइंस से उस मेडिसिन से काम नहीं होता तो फिर व्यक्ति क्या करे, इंसान क्या करे। शे डॉक्टर बदले शे, एक नहीं दो नहीं शे। आपको पता कि जो दांतों का, अभी तो इसकी उम्र भी देखो ना, इतनी उम्र भी नहीं हुई कि ज्यादा उम्र होगी इसलिए ये रोग आ गया, पर जे परेशान था, दर्द होती थी, खाने पीने में भी प्रॉब्लम थी। हाँ, कितनी थी खाने पीने में? माइक पास आप रखो। कितनी प्रॉब्लम थी खाने पीने में? बहुत दर्द थी बाबा, बहुत दर्द थी, काफी परेशान थे। ये कितनी देर तक ये प्रॉब्लम रही? 1.5 महीना। 1.5 महीना ऐसे ही चल रहा था। हाँ जी बाबा। और आज बिल्कुल सही है, आज कोई रोग नहीं, कोई मसूड़ों में रेशा नहीं, दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं बाबा, उस वचन से जो उस दिन आपने रिसीव किया, हाँ जी, उस दिन से ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? बिल्कुल बढ़िया। ओ तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। मैं जाके नहीं पहाड़ खोल सकता, मैं जाके नहीं पहाड़ खोल सकता, कहिए जय शिवा।
सब कुछ हो सकता करिए जो विश्वास सब कुछ हो सकता। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास कर वो सब कुछ कर सकता है।